हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल. इट इज़ चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर 15. द क्वेश्चन इज डिवाइड 184 इंटू टू पार्ट्स सच देट 1/3 ऑफ वन पार्ट मे एग्जिस्ट 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8. ओके, यहाँ पे हमें हिंट भी दिया है स्टूडेंट्स, लेट द टू पार्ट्स बी एक्स एंड 184 माइनस एक्स. यहाँ पे हमें 184 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया x, सेकंड पार्ट होगा 184 माइनस एक्स. 1/3 ऑफ वन पार्ट, 1/3 ऑफ वन पार्ट मतलब 1/3 ऑफ x में एग्जिस्ट 1/7 ऑफ द अदर पार्ट. 1/7 ऑफ अदर पार्ट मीन्स 1/7 ऑफ 184 माइनस अदर पार्ट हमारा है 184 माइनस x, तो 1/7 ऑफ 184 माइनस x बाय 8. ओके, बाय 8 इट विज इट गिव्स बाय 8, इट मीन्स यहाँ पे लगेगा प्लस 8. अब आप देखिए इसकी इक्वेशन किस तरह बन रही है. फाइनल इक्वेशन हमें यहाँ पे इस तरह से बनाई दिखाई दे रही है, x बाई 3 इज इक्वल टू 1/7 184 माइनस एक्स प्लस 8. आइए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं. x बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/7 184 माइनस एक्स. ये पूरा मैंने एक्स वाला पार्ट जो है ये प्लस से साइड चेंज करके मैं माइनस में लाई हूँ, और मेरे पास है 8. अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. एक्स बाई 3 माइनस 1/7 ब्रेकेट ओपन हुआ तो 1 इंटू 184 184 7 वन ज़ा 7 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स एक्स 7 इंटू 1 7 इज इक्वल टू 8. अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका. अब हमें मिल एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 184 बाय 7, जो मेरे पास माइनस में था मैंने साइड चेंज किया वो प्लस में आ गया है. 184 बाय 7 प्लस 8, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख रही हूँ. अब मैं दोनों साइड में एलसीएम ले रही हूँ. 3/7 का एलसीएम हुआ 21. एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 7 इंटू न्यूमरेटर एक्स प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर एक्स इज इक्वल टू 7 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 7. एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 इंटू न्यूमरेटर 184. एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 7 इंटू न्यूमरेटर 8 डिवाइडेड बाय 7. 7 इंटू एक्स 7x, 3 इंटू एक्स 3x, 7 प्लस 3 10x डिवाइडेड बाय 21. 184 प्लस 7 8 56 को प्लस करेंगे हमें मिल रहा है 24/7. एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ये दोनों नंबर का साइड चेंज करेंगे 21 डिवाइड से मल्टीप्लाई में और 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट करना है हमें. हमारी इक्वेशन इस तरह से बनेगी 24 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7. यहाँ पर हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब हम 5040 को 70 से डिवाइड करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है 72. आप पूरा सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए. आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन.